शिमला में मासूम युग को इंसाफ दिलाने के लिए बार एसोसिएशन सामने आया है। बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि हत्या के आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा, साथ ही केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की जा रही है। मासूम युग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की जंग जारी है। युग के माता पिता उसके गुनहगारों को उस दर्द का एहसास करवाना चाहते हैं जो उन्होंने मासूम युग को दिया, इसलिए लगातार केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शिमला बार एसोसिएशन भी युग के माता पिता के साथ खड़ी है। शिमला बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि मासूम की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। युग जो हत्याकांड हुआ है इसको हमारे बार ने कंडेम किया है, ये बड़ा हीनियस क्राइम है और ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर कर भी एक कुठाराघात है कि इस तरह का मर्डर, इस तरह का ब्रूटल हत्या एक शिशु की हुई है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको खोज करने के लिए 3 साल लगा दिए हैं। कोई भी बार का मेंबर, इस बार का मेंबर युग के हत्यारों का केस नहीं लड़ेगा। हमारी संवेदनाएं युग के परिवार के साथ है, उनको भगवान हिम्मत दे। आपको बता दें कि 2 साल पहले युग को उसके पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने अगवा कर लिया था। फिरौती नहीं मिलने पर 7 दिन बाद उसकी हत्या करके शव को नगर निगम के पानी के टैंक में फेंक दिया था। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।